ऑल क्लास इंग्लिश ग्रामर में आज मॉडल्स के कुछ और भी अन्य जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपको लास्ट टाइम मैंने आपको ये सिलेबस बताया था कि ग्रामर सेक्शन सी में ये सारे जो हैं क्वेश्चन आएंगे। अब आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट आता है इसमें मेक अप प्रयोग। मेक अप प्रयोग में औपचारिक आज्ञा ये होगी मे आई कम इन सर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा आपका और एक कॉमा भी होगा। ठीक, यू मे कम इन, फर्स्ट फॉर्म आपका कैपिटल होना चाहिए हमेशा वाई ओ यू मे, बाकी के फॉर्म स्मॉल लेटर में आएंगे कम इन, उसके बाद डॉट आएगा यानी फुल स्टॉप। सेकेंड आएगा संभावना, अधिकांश तथ्य आधारित है, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, द क्लाउड्स सी एल ओ यू डी एस आर द सो इट मे रेन, इसमें मे का प्रयोग आपको बताया गया है, मे यानी संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा यानी मे यू लॉन्ग लीव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, और ये इसका मतलब ये इस प्रकार का आपको ये चिन्ह लगाना आप ध्यान रखिए, इस प्रकार मे यू लीव लॉन्ग वाई ओ यू एल आई वी ई लॉन्ग के बाद ये। नेक्स्ट भूतकाल के अनुमान मे प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव में शी वेंट लेट सो शी मे हैव मिस्ड द ट्रेन, मानने वाली कंडीशनल वाक्यों में इफ यू ट्राई यू मे रीच द गोल, इफ यू ट्राई कॉमा यू मे रीच द गोल। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आता है मॉडल्स में अदर एग्जांपल हैड टू। हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू का अर्थ होता है ना था नी थी नी थे, ना पढ़ता था ना पढ़ती थी, ने पढ़ते थे ना पढ़ा पढ़ी पढ़ी। हैड का प्रयोग सीखे, जैसे आई हैड टू I had not to read, had I to read or why had I to read। क्या आप verb to have के साथ infinitive का प्रयोग जो है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है to भी इसमें आपको add करना है। ठीक, जैसे to go, I have to go। First example है I have to go। Okay? Next, I have to eat। ठीक, ये सारे इसके हैड टू के जो है हैड टू के एग्जांपल हो गए। देन हैड का आई हैड टू गो, आई हैड टू ईट। ठीक, तो इसमें हैव भी, हैव का भी एग्जांपल बताया आपको, इसमें दो प्रयोग हैड टू और हैव। ओके, यूज ऑफ हैड टू, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। ठीक, ये हैड के एग्जांपल है।
यानी मुझे देखना पड़ा, फुल स्टॉप। आई हैड टू ईट, इसका मतलब है आई हैड का प्रयोग करना है और ईट सी से सारे जो वर्ड्स हैं उसको उसमें ऐड करना। ठीक, दैट इज द सेकंड एग्जांपल। आई हैड टू ईट, ओके, डू यू अंडरस्टूड? एंड आई हैड टू सी, इजी वे। ठीक, सारे वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। आई हैड टू से, देन आई हैड टू बीट, नेक्स्ट आई हैड टू शो, नेक्स्ट आई हैड टू रीड, नेक्स्ट आई हैड टू गो। चलिए ये वाले हो गए यूज ऑफ हैड टू। फिर है पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन आई हैड टू रीड, यानी ये सिंगुलर में आया है तो मुझे पढ़ना पड़ा, ये सिर्फ अपने लिए है। ठीक, वी, वी मतलब हम लोगों के लिए प्लूरल, हम लोगों को पढ़ना पड़ा, वी हैड टू रीड। सेकेंड पर्सन यू हैड टू रीड, आपको पढ़ना पड़ा। फिर थर्ड पर्सन ही शी इट, उसको उसे या जो है दे, द बॉय हैड टू रीड। भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी तो इंडियन स्टूडेंट्स हैड टू वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स Had to, had to का प्रयोग बताया गया है इसमें, वर्क हार्ड। ओके, एंड द सेकंड, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती थी, द गवर्नमेंट हैड टू बिल्ड द रोड्स। मुझे नहीं दौड़ना पड़ा, अब इसमें नॉट का प्रयोग हुआ, देखिए जरा, आई हैड नॉट टू रन। ठीक, मुझे रात को काम नहीं करना पड़ा, आई हैड नॉट टू वर्क एट नाइट। ठीक, ये आपके आज के हैड टू के और मे के जो एग्जांपल्स बताए हैं मॉडल्स के अकॉर्डिंग, आपको उसको लिखना है और याद करना है।